हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि कैसे आप हेवल्स के 4151 हेयर स्ट्रेटनर के साथ अपने बालों में कर्ल्स डाल सकते हैं। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, मेरे एक व्यूअर ने या सब्सक्राइबर ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज आप हेयर स्ट्रेटनर 4151 के साथ अपने बालों में कर्ल डाल के दिखाएं, और इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाई। और चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, पर उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज हिट द लाइक बटन, और अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आप इसका फुल रिव्यू देखना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप प्लीज चेक कीजिएगा। इस पर मैंने पूरा रिव्यू किया हुआ है, और मैंने फिलिप्स वर्सेज हेवल्स का हेयर स्ट्रेटनर पे भी मैंने एक वीडियो बनाई है, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, इसको मैंने ऑन कर लिया है, और ये अब पूरे 230 सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर है, मैंने इस पे इसको कर लिया है। और इसकी बॉडी मेटल से पूरी बनी हुई है, ये बहुत ज्यादा हीटअप हो जाता है, इसके लिए हमें ग्लव्स की जरूरत पड़ेगी। और मेरे पास कोई इसके साथ जो ग्लव मिला था वो ये था, ये बहुत छोटा सा है और अब सिर्फ दो ही फिंगर्स में आता है। इसको मैं आपको पहन के बताती हूँ, ये ऐसे है, और पर पूरे हाथ का ग्लव इन्होंने दिया। मेरे पास एक ये वूलन ग्लव है तो मैं ये पहनूंगी। थोड़े से आगे से बाल लेके सबसे पहले तो मैंने ऐसे स्ट्रेटनर बीच में रखा है, और स्ट्रेटनर को हल्का सा आपको ट्विस्ट करना है कर्ल डालने के लिए, ऊपर की तरफ उसको घुमाना है, और फिर जो बाकी के बचे बाल हैं उनको मैं पकड़ रही हूँ, क्योंकि ये स्ट्रेटनर के इधर उधर फैल रहे थे, उसकी वजह से ढंग से कर्ल नहीं पड़ पा रहे थे। और फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाते जाते उसको हल्का दबाना है, जाते जाते उसको छोड़ देना है, और छोड़ने के बाद कुछ ऐसा रिजल्ट मिलेगा। ये वाला मेरा कर्ल अच्छा नहीं पड़ा, पहले वाला मैंने एक दो बार पहले भी ट्राई किया था तो ये ढंग से नहीं हुआ। अब मैं दोबारा से थोड़े और बाल लेके फिर से वैसे ही करूंगी जैसे मैंने पहले किया था, और ऐसे ही करते करते नीचे तक जाते जाते फिर इसको छोड़ देना है। और ये कर्ल मेरा बहुत अच्छा डला है, देखिए कितना अच्छा, जैसा मैं चाहती थी वैसे ही डला है। इसको थोड़ा सा मैं फिंगर से ऐसे रोल कर रही हूँ ताकि और घूम जाए और अच्छा बने। और ये आ गया नेक्स्ट, और ये इससे अगले वाला, और सारे बालों को मैंने कर्ल डाल लिए, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छे कर्ल पड़े हैं। और अब दूसरे बालों को मैं कॉम करूंगी अच्छे ढंग से, और यहां पे भी मैं एक एक करके कर्ल डालती जाऊंगी सेम प्रोसीजर के साथ। और ये थोड़ा ठीक से नहीं पड़ा इसलिए मैं इसको घुमा रही हूँ लगातार, और थोड़ा सा ऐसे दबा के हाथों में, और ये देखिए। नाउ दिस इज द फाइनल रिजल्ट, आई रियली लव इट। कितने अच्छे कर्ल्स पड़े हैं इसके साथ, बिल्कुल नीचे की तरफ से ही पड़े हैं, बस ज्यादा नहीं, ऊपर से इतने ज्यादा नहीं पड़े, और मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। सो गाइस, ये है मेरे कर्ल्स जो मैंने अपने बालों पे स्ट्रेटनर के साथ हेवल्स 4151 के साथ डाले, और मुझे अच्छे लगे कर्ल्स, बट वैसे वाले नहीं है जैसे यहां से शुरू होके पूरे नीचे तक। और मेरे बाल जैसे मैंने आपको बताया बहुत लंबे हैं, उस वजह से मेरे बालों में ऐसे ही कर्ल्स डले थे थोड़े थोड़े नीचे नीचे से, पर मुझे पसंद आए ये वाले कर्ल्स भी, अच्छे लग रहे हैं। ये था मेरा वीडियो हेवल्स 4151 हेयर स्ट्रेटनर के ऊपर कि आप अपने बालों में कैसे कर्ल्स डाल सकते हो उसके साथ। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा यूजफुल लगा हो और अच्छा भी लगा हो, और अगर आप ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं आगे भी तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल बटन को भी ऑन कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे मेरे वीडियो के। मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।